Cause I just wanna go to the deep end. टेक्नोरिज्म में आपका स्वागत है। आइए, संडे आ गया है, आपके सवालों के जवाब देने का समय आ गया है और ये मेरा फेवरेट पार्ट है जहाँ पर हर संडे मैं आपके सवालों का जवाब देता हूँ। मुझे बड़ा पसंद आता है। वैसे आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, यही एक सपोर्ट है जो आप मेरे लिए रखते हैं और मुझे बहुत हेल्प होती है और मुझे बड़ा पसंद आता है। वैसे आप मुझे ये भी ज़रूर बताना अभी इस समय वीडियो देखते वक्त आप क्या कर रहे हैं, जो भी है कमेंट में ना मुझे जरूर बताना। पहला सवाल आ रहा है मनजोत सिंह, ये बोल रहे कि उन्होंने हाल ही में वन यूआई 4 बीटा अपडेट किया अपने सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा में, उसके बाद से उनके फ़ोन में बहुत गड़बड़ी हुई, उन्होंने बहुत कोशिश की फिर भी इशू सॉल्व नहीं हो रहा है, उसके बाद अब वो फंस चुके हैं, वो क्या करें। मैंने भी अपने Z Fold 3 में किया अपडेट, वन यूआई 4 बीटा एंड्रॉयड 12 पर बेस्ड है, मुझे भी कुछ बग्स दिखाई दिए, लेकिन बीटा का मतलब यही होता है कि आपको समझना है कि इसमें सीन होगा कुछ ना कुछ, लेकिन अगर आपको ज़्यादा हो रहा है तो आई थिंक यू शुड गो बैक टू वन यू आई 3। उसके प्रोसेस होते हैं, आपको गूगल में सर्च करिए या वीडियोस आपको मिल जाएंगे कि हाउ टू गो बैक फ्रॉम वन यू आई 4 टू वन यू आई 3, वो फॉलो करिए, बेटर रहेगा। उसके बाद जब तक स्टेबल अपडेट ना आए आप अपडेट मत करिए। डीगू जी बोलते हैं कि विच इज़ बेटर, OIS या गिम्बल और 4X स्टेबलाइजेशन। देखिए गिम्बल 4X ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन OIS गिम्बल की अगर बात करें तो गिम्बल एक न्यू टेक है जो और भी बेहतरीन तरीके से आपको स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करता है। ये बेस्ड होता है OIS पर ही, लेकिन इनका टेक थोड़ा और एडवांस होता है और इसीलिए गिम्बल बोलते हैं उसको। गिम्बल चीज़ ही अलग होती है, एक पूरा आपको पता है ना वैसा एक पूरा उसका डिवाइस होता है, लेकिन स्मार्टफोन में इस तरीके से टेक लगाया गया है कि वो गिम्बल जैसा आपको जो वो स्टेबलाइजेशन देगा, इसलिए वो स्लाइटली OIS से उसको आप बेटर बोल सकते हैं। तो एक न्यू टेक है जो आजकल हमें वीवो के फोन्स में सबसे पहले मिला था और अभी दूसरे फोन्स में भी अगर आता है फ्लैगशिप में तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। हर्षदीप बोलते हैं कि बीच में खबर आई थी पोको UI के बारे में, आपको लगता है पोको UI आएगी? अगर हाँ तो आपको क्या लगता है कब तक आएगी? देखिए खबर आती जाती रहती है, कुछ चीज़ें रुक जाती है जो परमानेंट हो जाती है। अब पोको UI आई, निकल ली, रुकी नहीं, तो आई एम नॉट श्योर, आना चाहिए क्योंकि पोको वाले अगर अपने आपको इंडिपेंडेंट कर ही दिए तो UI भी थोड़ा अलग कर दो, एकदम न्यू लेके आओ। पोको लॉन्चर से काम नहीं चलेगा, पूरा के पूरा अलग, जैसे कि कलर OS है अलग है ना, पूरा ऑक्सीजन OS अलग है। मैं कलर OS और रियल में UI की बात नहीं कर रहा है, मैं अलग अलग बात कर रहा हूँ, वैसे कुछ अलग करते, क्लोज टू स्टॉक देते तो बेटर है। लेट्स सी, देखते, हो सकता है आ भी जाए, क्या पता। OJ या क्या नाम इनका पता नहीं, एनीवेज, क्या मोटरोला H20 प्रो बेस्ट अंडर 40,000? यस, इट्स अ गुड स्मार्टफोन, अच्छा फ़ोन है, मैं खुद यूज़ किया हूँ, टेस्ट किया हूँ, तो उसके बेसिस पर बोल रहा हूँ। और लावा अग्नि, अच्छा फ़ोन है, हाँ अभी तक तो आया नहीं, जब आएगा आपको बताएगी। OnePlus 10 सीरीज ऑक्सीजन OS या कलर OS? आई एम नॉट श्योर, OnePlus 10 सीरीज के साथ ये लोग क्या कर रहे हैं इसके बारे में मेरे को कोई अता पता नहीं है। अगले साल आएगा, पहले फ़ोन तो आने दो, ये क्या निकल कर आता है उसके बाद ही हम जज करेंगे। ओमकार बोलते हैं कि पहला आईफोन कौन सा परचेस किया था और एंड्रॉयड फ़ोन? पहला आईफोन बहुत साल पहले आईफोन 4S आया था, याद है? हाँ, वो मेरा पहला आईफोन था और मैं पहला आईफोन से ही यूज़ करता था। और एंड्रॉयड फ़ोन, स्मार्टफोन की बात करूँ तो मेरा पहला स्मार्टफोन इंडियन कंपनी थी कार्बन, हाँ वो कार्बन स्टार या पता नहीं कौन सा फ़ोन था, लेकिन वो था जिसमें क्वालकॉम की चिपसेट थी और उस वक्त मैं बहुत गर्व फील कर रहा था, अरे बाप रे। खैर, तो ये दोनों मेरे पहले स्मार्टफोन थे, वर्किंग कंडीशन है वगैरह, अरे भाई वो तो ज़माना हुआ, मुझे पता भी नहीं कहाँ पर हो गया। ऋषभ जी बोलते हैं कि रुएस भाई, माय क्वेश्चन इज़ क्या इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर बैटरी कंज्यूम करता है? आई एम नॉट श्योर यार, आई डोंट थिंक सो, ऐसा कभी कोई किस्सा सामने निकल कर आया नहीं है और ना अभी कोई यूज़र ने कंप्लेंट किया ऐसा कि भाई कि हमारे अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर से हमारी बैटरी जाती है। आई एम नॉट श्योर, तो मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, अभी तक तो मैंने सुना नहीं और लगता नहीं कि ऐसा कुछ होता है। सनी बोलते हैं कि ये जो फ़ोन ब्लास्ट हो रहे हैं इनका कारण क्या फास्ट चार्जिंग है? मुझे नहीं लगता, अगर ऐसा होता तो फिर तो सारे फ़ोन्स जो फास्ट चार्जिंग वाले आप लोग भी यूज़ करें, मैं भी ओप्पो फाइंड एक्स 2 प्रो 1.5 साल के ऊपर हो गया है, 65 वाट अडैप्टर फास्ट चार्ज कर रहा हूँ, मज़े से चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट भी एक नाम की चीज़ होती है, जैसे कि सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 धाड़ हुआ पूरे दुनिया में, सैमसंग रिकॉल किया तो बाद में पता चला कि बैटरी में इशू था, डिज़ाइन ऐसा बना दिया था उन्होंने कि बैटरी फिट नहीं हुई थी और बस उसमें इशू हो गया था, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। OnePlus में भी Note 2 में मुझे लगता है कुछ ऐसे फ़ोन्स हो गया होगा उनमें और वो ब्लास्ट हो रहे हैं। अब OnePlus वालों को बड़ी इज्जत से उनको वापस लेकर अपोलोजाइज करना चाहिए, स्टेटमेंट रिलीज करना चाहिए, लेकिन नहीं, ये तो अपने ही तशन में, OnePlus Note 2 पैकमैन भी आ रहा है, इनसे कौन जीतेगा। शुभम जी बोलते हैं कि आप संडे को क्या करते हो? लव फ्रॉम नेपाल।
संडे के दिन मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। मेरी बेटी जो है वो मुझे छोड़ती नहीं, वैसे भी नहीं छोड़ती, अभी भी भाग भाग के आया हूँ मैं वीडियो देने के लिए, पीछे पीछे भाग रही थी मेरे। तो संडे के दिन मैं उसी के साथ रहता हूँ, वाइफ के साथ रहता हूँ और फिर बाहर जाता हूँ। पहले तो पूरा दिन आराम करता हूँ, उसके बाद शाम में कभी मेरा अगर वाइफ नहीं आती है, बच्ची नहीं आती, तो मैं फिर दोस्त के साथ जाता हूँ, मेरा खास दोस्त है बचपन का, उसके साथ जाता हूँ। लेकिन फिर बाहर तो जाता ही जाता हूँ रात में, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं पिछले संडे गया था, इतने सारे आप सब्सक्राइबर्स मुझे मिले, हमारी फैमिली कितनी बड़ी आप देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब लोग मुझे पहचानते, आते हाथ मिलाते, आपके वीडियो देखते बहुत अच्छा लगता है, आप फनी वीडियो बनाते, स्पेशली ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोग खुश होते हैं मेरे वीडियोज़ देख कर। तो ये एक्सपीरियंस जो होता है वो अलग ही होता है। तो हम इन्जॉय करते हैं, आराम करते हैं, बाहर जाके खूब खा पीते हैं। पूर्णेंदु देव, इन्होंने बोला है कि कैन वी ट्रस्ट माइक्रोमैक्स अगेन, क्योंकि वो सीरियस नहीं लग रहे और 4 महीने से उनका कोई फ़ोन लॉन्च नहीं हुआ है। तो ऐसा नहीं यार, आप अगर फ़ोन लॉन्च नहीं हो रहा है किसी ब्रांड का महीनों से, तो उससे ट्रस्ट का कोई लेना देना नहीं है। अब उनके ऊपर है, वो उनको टाइम चाहिए होगा और सही टाइम पर वो एक अच्छा फ़ोन लॉन्च कर ले, ऐसा हो सकता है। मल्टीपल फ़ोन्स लॉन्च करना बार बार, ये कन्फ्यूजन है। हम एक तो वो कंप्लेंट कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ ब्रांड अगर कुछ नहीं कर रही तो वो भी कंप्लेंट करेगी क्यों कुछ नहीं कर रही। ऐसा नहीं है, गिव देम टाइम, देखते आने दीजिए इंडियन कंपनी, हम सबर कर रहे हैं। अच्छे टाइम पर अगर वापस से कुछ अच्छा फ़ोन लेके आ जाते अच्छी प्राइस पर और प्रॉपर अपडेट्स देती है, यही सबसे बड़ी चीज़ है। नवनीत बोलते हैं कि हाउ कैन आई बाई पिक्सल 6 इन इंडिया, हाउ मच विल इट कॉस्ट। देखिए ये तो कॉस्टिंग तो पूछो मत, एक्चुअल कॉस्ट जो होगा उससे कम से कम आपको 20-25 हज़ार या बहुत ज़्यादा भी देना पड़ सकता है। मैंने लंदन से मंगवाया, यूएस से बहुत सारे लोग मंगवा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर भी आपको ऑर्डर जो देना है वो बाहर से ही देना है, यूएस से ही देना पड़ेगा, ठीक है। और ये यहाँ आते आते फिर जो उसकी कस्टम लगती है, ये लगती है, बहुत ऊपर चला जाएगा। तो आई थिंक सो यू शुड वेट फॉर पिक्सल 7, या उससे बेटर है कि आपके पास ज़्यादा पैसे तो दूसरे भी फ़ोन आप ले सकते हैं। लेकिन इतना है कि एक्सपीरियंस आपको उसमें बहुत अलग मिलेगा, रिस्क लेना है तो ले सकते हैं, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन होगा कि इतना पैसा ज़बरदस्ती एक्स्ट्रा मत डालिए। गजान बोलते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, विच इज़ योर फेवरेट गेम कंपनी, रॉकस्टार, यूबीआई सॉफ्ट। यूबीआई सॉफ्ट भी बहुत अच्छा है यार, मैं उसमें बहुत गेम्स खेला उसके, स्पेशली वो जो स्प्रिंटर सेल वगैरह मैंने एक टाइम पर तो मतलब, लेकिन रॉकस्टार भी रॉकस्टार है। तो कन्फ्यूज हूँ भाई, इतना मत कन्फ्यूज करो, लेकिन अगर एक पिक करना हो स्पेशली GTA के लिए आई विल गो फॉर रॉकस्टार। ध्रुव बोलते हैं कि भैया जियो बुक इंडिया में कब लॉन्च होगा। अरे पहले तो इतना गुस्सा आ रहा है, जियो फोन के साथ उन्होंने जो किया, पता नहीं मैं क्या बोला, आई एम कम्प्लीटली शॉक्ड। मुझे लग रहा था कि कुछ अलग होगा, लेकिन नहीं यार, ये बहुत अलग चीज़ निकल कर आई है, जो बहुत बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है। लेकिन अब जियो बुक जितनी लीक आ रही है, ये होगा वो होगा ऐसा होगा, बाद में पता चला ये भी जियो फोन नेक्स्ट की तरह ना निकले, इसलिए जितना ज़्यादा बात ना करें उतना ही अच्छा है, इसको इग्नोर ही करते हैं, जब आएगा खुद से ही देख लेंगे। राहुल बोलते हैं रियलमी 9 सीरीज और रेडमी नोट 11 सीरीज, ये दोनों अगले साल फरवरी या मार्च तक आने की संभावना है। और मुझे लगता है कि जो इंडिया वाले रेडमी नोट 11 सीरीज हो गए ना, वो अलग होने वाले हैं, जहाँ तक ऐसा लगता है, क्योंकि शाओमी 11i हाइपर चार्ज ये रीब्रांड हो गए चाइना वाले रेडमी नोट 11 सीरीज के, इंडिया वाली रेडमी नोट 11 सीरीज थोड़ी अलग होगी, जो रियलमी 9 सीरीज आएगी उनसे कम्पीट कर सकती है। रियलमी 9 लगभग मैं ज़्यादा अभी छोड़ो, जब आएगा तब देखते हैं, फरवरी मार्च के आसपास हमें इन दोनों के बारे में पता चलेगा। लेकिन लड़ाएंगे हम, लड़ाएंगे ज़रूर लड़ाएंगे। हर्ष राज आर्यन, बेस्ट कैमरा फ़ोन अंडर 25,000, ऐसे तो बहुत सारे बहुत सारे, लेकिन अगर मैं एक इसमें से उठाऊँ जो मुझे लगता है कि वैल्यू फॉर मनी है फॉर कैमरा, तो वो सैमसंग है, सैमसंग गैलेक्सी M52 5G। अभी तो 25,000 पर कूपन ऊपन लगाकर मिल जाएगा, कैमरा बहुत अच्छा है, अच्छे फोटोज़ ले सकते हैं, सैमसंग की ऑप्टिमाइजेशन अच्छी होती है। तो आई थिंक यू शुड गो फॉर ओनली कैमरा अगर आपकी प्रायोरिटी है, वैसे तो फ़ोन ओवरऑल अच्छा है, लेकिन आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। आदित्य कुमार बोलते हैं कि स्मार्टफोन में बैक कवर लगाने से उसकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है, कनेक्शन, टेम्परेचर, सिग्नल में इश्यू हो सकता है कभी कभार, लेकिन परफॉर्मेंस का नहीं यार। हाँ, गर्म हो जाता है फ़ोन, बेटर रहेगा कि आप जब गेम खेल रहे हो शायद कवर से निकाल लो, और चार्ज कर रहे हो तो कवर से निकाल लो, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मली कवर लगा कर रखो, फ़ोन को प्रोटेक्ट करता है, अगर पॉलीकार्बोनेट तो लगाना ही पड़ेगा, वरना इतने स्क्रैच आएंगे जिसकी कोई हद नहीं है, और ग्लास है तो भी लगा कर रखो, हाथ से गिरा कभी भी टूट सकता है। तो ज़्यादा इश्यूज़ नहीं होते, बस थोड़ा बहुत प्रिकॉशंस लेना है, उसको आपको ध्यान रखना है। साविद जी बोलते हैं कि लावा अग्नि 5G अनबॉक्सिंग, यस अनबॉक्सिंग ज़रूर करेंगे, लॉन्च तो हो गया है, लेकिन अनबॉक्सिंग क्या है ना, उनका एम्बार्गो जो है वो थोड़ा शिफ्ट हो गया, आगे हो गया है, तो रूल्स जो है उसको फॉलो करना पड़ता है, वही बेटर है, और हमारे पास अभी भी आया नहीं है, जब आएगा तो आपको ज़रूर बताएंगे। तो लेट्स सी, मुझे लगता है ये चिप शॉर्टेज का असर यहाँ हो रहा है थोड़ा, इनफ यूनिट हो गए तो शायद वो लोग एम्बार्गो रिलीज़ करेंगे, उसके बाद फिर आप सेल पर जाके इनको ले सकते हैं। मैं एक्साइटेड हूँ, आने दीजिए, आपको जरूर बताएं। बोनागिरी शरत
इन्होंने बोला है कि when will MIUI 13 release, exact date तो नहीं बता सकता, month बता सकता हूँ, जो Xiaomi के खुद founder Li Jun ने confirmed किया था, December में MIUI 13 आएगा, और उनके flagship phones में पहले आएगा, फिर उसके बाद जनवरी फरवरी मार्च का ये जो महीना है सारे मिड रेंज बजट फोन्स में आ जाएगा, तो मार्च तक मुझे लगता है कि आपके सब फोन्स में MIUI 13 आ जाएगा। हाँ, तो ये दोस्तों आपके सवाल मेरे जवाब, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अच्छा लगता है दोस्तों, ये इंटरेक्शन मेरे लिए बहुत ही प्रिविलेज है कि मुझे आपके सवालों का जवाब देने का मौका मिलता है। और अब मैं ज़्यादा लाइव वाइव के बारे में बोलेगा नहीं, हमेशा बोलता लाइव आओगा लेकिन आता ही नहीं हुए, तो उसको इग्नोर करते, जब आना रहेगा खुद ही आ जाएगा। लाइक करिए दोस्तों, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।